हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल इको विंग में। तो आज मैं जो टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ वो कुछ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी होने के साथ साथ ही बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आपको बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखना है, और इस वीडियो को देखने से पहले अगर आपने मेरी पहली वीडियोज इसी टॉपिक से रिलेटेड नहीं देखी है तो मेरे यूट्यूब चैनल इको विंग पर जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, और अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। तो ऑपरेशंस ऑन सेट जो टॉपिक है वो चैप्टर वन का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसी पर बेस्ड हमारे एनसीईआरटी के काफी क्वेश्चंस हैं जो सॉल्व होते हैं। ये टॉपिक आपका इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये तीनों चीजें कवर करके चलता है, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म और वेन डायग्राम। तो सबसे पहले हम ऑपरेशन ऑन सेट के अंदर यूनियन सेट को समझते हैं। तो सबसे पहले कंसेप्ट ये आता है कि यूनियन सेट होता ही क्या है। यूनियन सेट का मतलब होता है कि अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सेट है ए इज इक्वल्स टू 2, 4, 9, 6, कुछ इस तरह से मेरे पास एलिमेंट्स हैं, और बी सेट है मेरे पास 5, 9, 3। अगर मुझे इसका यूनियन बनाना है तो ए यूनियन बी हम इस तरह से लिखेंगे और 2, 3, 4, 5, 6, 9 ये एलिमेंट होंगे। रिपीटेड एलिमेंट को हम नहीं लेंगे, सिर्फ सिंगल एलिमेंट को हम यूज करेंगे। तो इस तरह से हमने यहां पर बनाया ए यूनियन बी। तो पहले तो ये चीज क्लियर होनी बहुत जरूरी है कि यूनियन होता क्या है। जो मैंने आपको यहाँ पर एग्जांपल अभी समझाया है यही आपका फॉर्म होता है रोस्टर का। जैसे कि मैंने यहाँ पर भी पहले दिखा रखा है कि 1, 2 हमारा एक एलिमेंट है, फिर बी है, हमने ए यूनियन बी यहाँ पर क्रिएट कर उसे रोस्टर फॉर्म में शो कर दिया। इसी सेट को अगर हमें सेट बिल्डर फॉर्म में डालना हो तो हम कुछ इस तरीके से डालते हैं, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, और यहाँ पर डिफरेंस क्या होता है और आपको आगे आने वाली मेरे मतलब कंसेप्ट में समझ में आएगा कि मैं क्यों इस पर प्रेशराइज कर रही हूँ। एक्स बिलोंग्स टू बी, तो इस तरह से हम सेट बिल्डर फॉर्म में भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तीसरी तरफ आता है आपका वेन डायग्राम। इसी यूनियन सेट को हम वेन डायग्राम के साथ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसे हम ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से, और यूनियन हम इस तरह से यहां लिख सकते हैं। तो ए यूनियन बी हमारा ये होगा वेन डायग्राम के अंदर, जहां पर इंटरसेक्शन भी होता है। जैसे ये एक एलिमेंट है, ये एक इंटरसेक्शन को शो कर रहा है। अभी आपको समझ आएगा, मैं आगे समझाऊंगी इस कंसेप्ट को। तो आई होप आपको यूनियन सेट समझ में आया। मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, यूनियन सेट का मतलब होता है जितने भी एलिमेंट हमारे सेट ए बी सी या एन नंबर्स ऑफ सेट के अंदर हैं, जब हम उसे एक सिंगल सेट के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे हम ए यूनियन बी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैं सी भी अगर लेती हूँ, 1 एक ही एलिमेंट हम ले लेते हैं, तो यहां पर हम अगर एन ए यूनियन बी यूनियन सी अगर करेंगे तो हमारे पास एलिमेंट होंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 9 इस तरह से। तो ये जितने मर्जी आप सेट बढ़ा सकते हैं, लेकिन करने का तरीका आपका क्वेश्चन का यही रहेगा। अब इम्पोर्टेंट आता है प्रॉपर्टीज। स्टूडेंट्स, मैथ्स के अंदर प्रॉपर्टीज ही इम्पोर्टेंट होती हैं क्योंकि प्रॉपर्टीज पर बेस्ड ही क्वेश्चन आते हैं। इन प्रॉपर्टीज के अलावा कोई भी ऐसा कंसेप्ट नहीं है जो क्वेश्चन के अंदर यूज हो। इन्हीं में से कोई एक आधा प्रॉपर्टीज होती हैं जो यूज होती हैं, जो हम ध्यान नहीं देते हैं। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ ये कहता है कि अगर हम ए यूनियन बी करते हैं या बी यूनियन ए करते हैं तो दोनों ही इक्वल होंगे। एग्जाम्पल के तौर पर आप यहां देख सकते हैं, ए सेट है, बी सेट है, ये चाहे मैं इसे ए यूनियन बी करूं या बी यूनियन ए करूं, एलिमेंट हमारे सेम ही रहेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 9 इस तरह से हमारे सेम ही एलिमेंट रहेंगे। तो ये हमने यहां पर प्रॉपर्टी को प्रूव भी कर दिया कि इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ को। नेक्स्ट आता है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव का मतलब होता है जुड़ना। तो यहां पर ए यूनियन बी के साथ अगर मैं यूनियन सी ऐड कर देती हूं तो वो एसोसिएटिव लॉ के अंदर आएगा, और दोनों के टर्म्स में वैल्यूज जो है वो
बराबर होंगी और वो सेट इक्वल ही होंगे, ए यूनियन बी यूनियन सी। जैसे मैंने यहाँ पे किया ये वाला जो सेट मैंने यहाँ पर रोस्टर फॉर्म में बनाया है, ये अगर मैं इस फॉर्म में लिखती हूँ एन ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू एन ए यूनियन बी यूनियन सी, तो आंसर आपका दोनों ही केसेस में स्टूडेंट्स इक्वल रहेगा। तो ये था आपका एसोसिएटिव लॉ। नेक्स्ट आता है लॉ ऑफ आइडेंटिटी। इसका मतलब है कि ए यूनियन फाई इज इक्वल्स टू ए ही होगा, जाहिर सी बात है मेरे पास ये ए एक सेट है, मैं अगर इसको यूनियन बनाती हूँ एक नल एलिमेंट के साथ एक फाई एलिमेंट के साथ, तो हमारे पास जो इक्वल्स टू है वो एक ही इक्वल ही होगा। सेम ए यूनियन ए मेरे पास एक सेट है ए इज इक्वल्स टू 3, 6, 9, तो ए यूनियन ए जब बनेगा तो ये ए के बराबर कैसे होगा, एलिमेंट मेरे वही होंगे हर बार। इसी तरीके से यूनियन आपका जो है कंप्लीट सेट यूनियन जो पर आपका यूनियन ए इज इक्वल्स टू यू होगा, लॉ ऑफ यू के लिए ये यूज होगा। ये तो आपका ज्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है लेकिन आपको समझ आ ही गया होगा कि जितने भी आपके टोटल एलिमेंट हैं और उसका यूनियन ए हमने लिया है वो हमेशा इक्वल होगा यू के, क्योंकि सेट हमारे पास एक ही है इस पर्टिकुलर टर्म्स में। तो इस तरह से हमने जो डिस्कस किया वो था ऑपरेशन ऑन सेट के अंदर यूनियन सेट। तो नेक्स्ट हमारा आता है इंटरसेक्शन ऑफ सेट, ये मैं आपको इसी में समझा देती हूँ। इंटरसेक्शन ऑफ सेट के अंदर भी आपका रोस्टर फॉर्म आता है, रोस्टर फॉर्म के साथ साथ आपका सेट बिल्डर फॉर्म आता है और वही सेम आपका वेन डायग्राम। लेकिन यहां पर डिफरेंस क्या है, रोस्टर के अंदर हमें कॉमन वैल्यू लेनी है, जैसे हमने ए सेट लिया 1, 6, 4, बी सेट लिया 2, 3, 4, तो हम ए इंटरसेक्शन बी जब निकालेंगे तो हमारे पास कॉमन एलिमेंट क्या है स्टूडेंट, 4। अब इसे हम वेन डायग्राम के थ्रू भी शो कर सकते हैं 1, 6, 4, ये ए के अंदर है और बी में है, 4 हमारा कॉमन है तो 4 हम यहां लिखेंगे, 2 और 3 हमारा बी में है, तो ये 4 जो है हमारा कॉमन है दोनों में, जो हम इस तरीके से लिखेंगे। अब इसे हम सेट बिल्डर फॉर्म में भी बता सकते हैं, कैसे देखिए, एक्स इज दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड, अब मैंने लास्ट टाइम जो डिस्कस किया था वो कहा था, प्रेशराइज किया था आपको कि और पे ध्यान देना है, यूनियन में और आएगा और इंटरसेक्शन में एंड आएगा, बिलोंग्स टू बी। सेम उसी तरीके से आपका वेन डायग्राम भी था, सेट बिल्डर भी था और रोस्टर भी था। प्रॉपर्टीज इंटरसेक्शन की सेम वही है, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ ऑफ आई, एडम्प्टेड लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। यहां पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट। अब कम्यूटेटिव लॉ वही है, ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन ए, दोनों के लिए कॉमन एलिमेंट होगा जैसे कि हमने यहां पर देखा। एसोसिएटिव के अंदर भी तीनों के अंदर अगर कॉमन इंटरसेक्शन है तो तीनों के अंदर कॉमन दोनों तरफ शो होगा, ऐसे ही सेम इस लॉ में होगा और वो सेम इस लॉ में भी। और ये लॉ है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये क्या कहता है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब हम इसका सेट बनाकर भी देख सकते हैं या विदाउट सेट भी हम इसे समझ सकते हैं, बी यूनियन सी मतलब बी के एलिमेंट भी और सी के एलिमेंट भी, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव ये कह रहा है कि हमें ए का इंटरसेक्शन निकालना है बी यूनियन सी के अंदर से। कैसे देखिए, ए हमारे पास है 1, 2, बी हमारे पास है 3, 4, 5 और सी हमारे पास है, यहां पर मैं 3 भी ले लेती हूं, 3, 9, 8 राइट। तो ये कह रहा है कि हमें पहले बी यूनियन सी बनाना होगा, बी यूनियन सी बनाएंगे तो हमारे पास एलिमेंट क्या, बी यूनियन सी, देखिए कंडीशन यही है ना, बी यूनियन सी, तो हम बी यूनियन सी बनाएंगे तो हमारे पास एलिमेंट क्या निकल कर आएंगे, 3, 4, 5, 8 और 9। अब इसमें से मुझे इंटरसेक्शन निकालना है जो कि हमारा
3 है। आपको ब्रेक कर करके इसको समझना है। सेम उस तरीके से पहले आप ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, दोनों में से जो भी कॉमन निकले, यानी कि हमारा क्या निकल रहा है 3। अब उसका यूनियन करना है ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन सी क्या है? ए इंटरसेक्शन सी 3 है, तो यानी कि आपका एलिमेंट क्या निकल कर आया 3, यानी कि दोनों तरफ वैल्यूज क्या है हमारी सेम है। इस तरीके से एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको समझा दिया कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ किस तरीके से काम करता है। मेरी वीडियोस लगातार देखते रहने के लिए न्यू यूजर सब्सक्राइब कीजिए और जो एग्जिस्टिंग है वो बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और ऑनलाइन स्टडी का बिल्कुल बेहतरीन तरीके से फायदा उठाइए। थैंक यू।